राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। ये देखिए, आज हमने बहुत प्यारी सी ड्रेस बनाई है। 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है। ये बहुत प्यारी सी ड्रेस है, आज हम इसको बनाएंगे। और वीडियो के अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप सभी कुछ बताया है कि इस ड्रेस को किस तरह से बना सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया इसको छोटी बड़ी आप किस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए, बहुत प्यारी सी ड्रेस है, तो आज इसको बनाएंगे हम। बनाने से पहले जिस किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा भी हमारी वूल टैग के नाम से ही है, और नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख कर आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, और भी ड्रेस आपको बनानी है अगर, हमारे चैनल पर बहुत वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं, तो आपको और ड्रेसेस बनानी है तो मैं प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से देखकर आप और ड्रेस बना सकते हैं। ठीक है, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने चोली बना ली है, तो चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से देखकर आप चोली बना लीजिए। और यहाँ पर देखिए, ज्वाइन करने के बाद हमने धागे को कट कर दिया था। अब यहाँ पर से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे। इस तरीके से नॉट बनाने के बाद हम घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से सबसे पहले स्लिप स्टिच कर लेंगे, उसके बाद हम 3 चेन लेंगे। इस तरह से 3 चेन लेने के बाद में हमने नेक्स्ट में इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम 2 बार। देखिए, डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाते हैं, देखिए क्रोशियो में हमारा एक फंदा है, इस तरह से हम दूसरा फंदा लेंगे और नेक्स्ट में क्रोशियो को डालेंगे, धागा निकालेंगे। देखिए 3 हो गए, 3 से 2 कर देंगे और 2 से 1 कर देंगे, तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार। देखिए, एक बार बनाया, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम 2 बार। नेक्स्ट में बनाएंगे 1 बार, अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम 2 बार, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम इस तरह से। स्टार्टिंग में देखिए 3 चेन लेकर हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाया, फिर नेक्स्ट में 2 बार, फिर 1 बार, 2 बार, 1 बार, 2 बार, तो इस तरह से हम राउंड को कम्प्लीट करेंगे। देखिए, राउंड को कंप्लीट कर लिया है हमने। स्टार्ट हमने 1 से किया था और लास्ट हमारे ये 2 पर आया है। और देखिए, चोली के लास्ट में हमारे यहाँ पर हमारे पास 25 डबल क्रोशिया थे, तो यहाँ पर हमने 24 डबल क्रोशिया यूज़ किए हैं और 1 डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर स्किप किया है, तो यहाँ पर हमने टोटल 24 स्टिच यूज़ किए हैं, 24 डबल क्रोशिया। और देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, तो 3rd चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच नहीं करेंगे। देखिए, हमने फ्रंट पोस्ट बनाना है, मैंने अपनी वीडियो में बताया है। यहाँ पर हम ये जो 1st डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से जॉइन करेंगे। आप देखेंगे घेरा, फ्रंट पोस्ट का घेरा मैंने बताया है आपको, तो इस तरह से बताया है। इसके बाद आप 1 चेन लेने के बाद इस तरह से ये जो हमारी 3 की चेन है इसको उठाएँगे हम, इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना देंगे। ये देखिए, अब देखिए जो 1st डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हमने ज्वाइन किया था, लेकिन ये हमारा 1st डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो ये 2 के हमारे ये 3 डबल क्रोशिया हुए। और ये जो हमारा 1 डबल क्रोशिया था इसके ऊपर ये हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। देखिए नेक्स्ट, ये हमारा 1 डबल क्रोशिया है, तो इसको इस तरह से उठाएंगे और फ्रंट पोस्ट बना देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया इस तरह से, एक बार और बनाएंगे यहाँ पर हम। अब देखिए 1 ही है हमारा, तो इसको फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और नेक्स्ट में 1 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं, तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है, हम ये जो 1st डबल क्रोशिया है इसकी चेन में ज्वाइन करेंगे, बट यहाँ पर हम धागे को चेंज करेंगे। अब देखिए इस तरह से नॉट बना लेंगे हम, इस तरह से टाइट कर लेंगे धागे को। और यहाँ पर ये जो 1st डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम इस तरह से जॉइन करेंगे और 1 चेन लेंगे,
एक चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये देखिए फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे, देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे हम और यहाँ पर एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से, डबल क्रोशिया बना लेंगे एक बार। अब नेक्स्ट में यहाँ पर हम दो बार बनाएंगे इस तरह से। अब देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इसको, हम फ्रंट पोस्ट को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पर तीन डबल क्रोशिया हैं तो इनके चार डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। देखिए एक यहाँ पर बनाया हमने, एक नेक्स्ट में बनाया और दो बार हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और यहाँ पर ये तीन डबल क्रोशिया हैं तो इनके ऊपर हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर किया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया है और एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, चार डबल क्रोशिया, तो तीन के ऊपर हमने ये चार डबल क्रोशिया बना लिए हैं। तो इस तरह से ही हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम, तो यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे। देखिए ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये जो हमारा फ्रंट पोस्ट है तो इसकी चेन में ही हमने इस तरह से ज्वाइन करना है इसको स्लिप स्टिच के साथ। अब यहाँ पर हम एक दो तीन, तीन चेन लेंगे। तीन चेन लेने के बाद में हमने यहाँ पर देखिए एक दो स्किप करेंगे और यहाँ थर्ड में हम इस तरह से, देखिए तीन चेन ली हमने, तीन चेन लेकर के हम एक दो स्किप करेंगे और थर्ड में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सेकंड में बनाएंगे हम एक स्किप करेंगे और ये सेकंड में बनाएंगे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया। अब एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे और एक दो तीन स्किप, एक दो स्किप करेंगे और थर्ड में बनाएंगे यहाँ पर हम एक दो तीन, तीन चेन लेंगे एक स्किप करेंगे सेकंड में बनाएंगे। अब एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे एक दो स्किप करेंगे थर्ड में बनाएंगे। जब जो चार चेन लेंगे तो थर्ड में बनाएंगे और तीन चेन लेंगे तो हम एक स्किप करके सेकंड में बनाएंगे। तो इस तरह से हमने राउंड को कंप्लीट करना है। तो राउंड कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम, तो यहाँ पर हम एक दो तीन चार, चार चेन लेंगे और देखिए एक दो तीन स्किप करेंगे और यहाँ पर हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से स्लिप स्टिच से। और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को आप कट भी कर सकते हैं या एक चेन ना लेकर के हम यहाँ पर धागे को ज्वाइन करेंगे हम इस तरह से। सबसे पहले नॉट बना लेंगे हम इस तरह से, नॉट बना ली हमने और यहाँ पर सबसे फर्स्ट लूप में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये धागा हमारा स्टार्ट हो गया है, देखिए। अब यहाँ पर हम एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर के डबल क्रोशिया बनाएंगे हम यहाँ पर। दो बार बना लिया हमने डबल क्रोशिया और ये तीन बार, तीन बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना लिया है। उसके बाद में हमने यहाँ इसको इस तरह से लंबा करेंगे और एक दो तीन थर्ड चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम इस तरह से धागे को खींच लेंगे और यहाँ पर एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, तीन चेन लेकर नेक्स्ट लूप में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। एक बार बनाया डबल क्रोशिया, ये दो बार बनाया डबल क्रोशिया, ये तीन बार बनाया डबल क्रोशिया और ये चार डबल क्रोशिया। चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से धागे को लंबा करेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से हम धागे को निकालेंगे और एक दो तीन, तीन चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे चार बार। एक बार बनाया, ये दो बार बनाया और ये तीन बार बनाया, चार बार बनाया। चार बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट में हम क्रोशिया को डालेंगे इस तरह से, धागा निकालेंगे और एक दो तीन चार। तो इस तरह से ही हमने ये राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं, तीन चेन ली हमने। अब यहाँ पर हम ज्वाइन कर देंगे इसको, यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे ये होल बन गए हैं। तो ये फर्स्ट लूप में हम
इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। उसके बाद में ये सेकंड में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक बार बनाया, ये दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। दस बार डबल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट लूप में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लूप में हम दस बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। दस बार डबल क्रोशिया बना लिया है, अब नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से हम वर्क बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हम राउंड के लास्ट में आ गए हैं। कुछ इस तरह से ये हमारी ड्रेस बन करके आई है कि ज्वाइन करेंगे। अब हम 10 डबल क्रोशिया बना लिए हैं हमने। 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से एक चेन लेकर के धागे को यहाँ पर कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट नहीं किया था, तो इसी धागे को हम ज्वाइन करेंगे। तो ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे, देखिए ये जो हमने 10 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पर, तो ये फर्स्ट डबल क्रोशिया है हमारा। इसकी चेन में हम यहाँ पर क्रोशिया को डालेंगे और इस तरह से धागे को निकालेंगे हम। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम सिंगल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारी तीन सिंगल क्रोशिया हो गए हैं, 1 2 3। तो ये चार, ये पांच सिंगल क्रोशिया, ये छह सिंगल क्रोशिया, ये सात सिंगल क्रोशिया, ये आठ, नौ और दस सिंगल क्रोशिया। दस सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में हमने इस तरह से धागा लेंगे हम। ये दो बार लिया, तीन बार और ये चार बार। तो यहाँ पर देखिए चार बार लूप लेकर, देखिए क्रोशिया में हमारे 1 2 3 4 5 फंदे हो गए। अब देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। ये देखिए ये हमारा फ्रंट पोस्ट है। तो यहाँ पिंक वाले फ्रंट पोस्ट को उठाएंगे हम इस तरह से और यहाँ पर हम इस तरह से पकड़ेंगे और सबसे पहले हम ये दो फंदे निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे इस तरह से, फिर दो और फिर दो। अब देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसकी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। एक बार, ये दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ और दस। तो दस डबल क्रोशिया थे हमारे। तो दस चेन में हमने ये सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब एक बार लिया, दो बार लिया, तीन बार लिया, चार बार लिया। चार बार हमने धागा लिया है लेकिन क्रोशिया में देखेंगे हम तो 1 2 3 4 5 पांच फंदे हैं। इस तरह से अब ये पिंक वाला फ्रंट पोस्ट उठाएंगे हम, इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम दो निकालेंगे, फिर हम दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे और फिर दो निकालेंगे, दो निकालेंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। अब ये जो यहाँ पर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तो इस तरह से बनाते हुए हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से ये वर्क बन कर आया है, ये देखिए। तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं, राउंड कंप्लीट कर लिया है हमने। यहाँ पर हम देखिए फर्स्ट चेन में हम इस तरह से क्रोशियो को डालेंगे और धागे को निकालेंगे। स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इस तरह से ये हमारा वर्क बन कर आया है। अब हम यहाँ पर इस तरह से ये फ्लावर बनाएंगे, ठीक है, और ये यहाँ पर इस तरह से लगाए जाएंगे। तो फ्लावर बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्लावर बनाने के लिए इस तरह से हम धागा लेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से 1 2 3 4 चार चेन लेंगे। चार चेन लेकर के फर्स्ट चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये एक हमारा लूप बन गया है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चार चेन लेंगे। चार चेन हमने इसलिए लिए हैं तो तीन चेन तो ये हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की होती है, एक चेन हमें एक्स्ट्रा लेनी है। अब यहाँ पर हम लूप के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से,
अब एक चेन लेंगे हम, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, एक चेन लेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारी चार डबल क्रोशिया हो गए हैं, 1 2 3 4, तो चार डबल क्रोशिया हो गई। यहाँ पर हमने टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर टोटल 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 थर्ड चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब नेक्स्ट धागा अपना यूज़ करेंगे हम, सबसे पहले नॉट बना लेंगे हम इस तरह से, यहाँ पर जॉइन करेंगे। और ये लूप पे यहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, तो देखिए लूप बन गए हैं हमारे। तो यहाँ पर हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, धागे को हम टाइट कर लेंगे इस तरह से, और पिंक कलर के धागे को यहाँ पर हम कट कर देंगे। अब ये धागा हम फिनिशिंग में लेंगे, पिंक कलर के धागे को फिनिशिंग में लेंगे। अब हम तो यहाँ पर हम 1 2 3 तीन चेन लेंगे। तीन चेन लेने के बाद में यह लूप के अंदर ही हम किसी चेन में वर्क नहीं करना है, लूप में वर्क करेंगे हम। लूप में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार बनाया, ये दो बार बनाए और ये तीन बार बनाए। तो तीन बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाए, तो ये टोटल हमारे ये चार हो गए, एक ही तीन की चेन, एक तीन डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हम देखिए थर्ड चेन में, देखिए यहाँ पर हम थर्ड चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से निकालेंगे। अब 1 2 3 तीन चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट में जैसे हमने ड्रेस में वर्क किया था सेम वैसा ही वर्क करना है। अब हमें नेक्स्ट लूप में हम क्रोशिया हुक को डालेंगे और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक बार बनाया, ये दो बार बनाया और ये तीन बार बनाया, चार बार बनाया, चार डबल क्रोशिया बनाए, धागे को लंबा करेंगे और फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में क्रोशिया हुक को डालेंगे हम और इस तरह से धागे को निकालेंगे। और 1 2 3 तीन डबल क्रोशिया बनाए, तीन चेन ली हमने, तीन चेन ले करके नेक्स्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में हम एक बार, दो बार और ये तीन बार, चार बार, चार बार डबल क्रोशिया बनाए, धागे को लंबा करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से बना देंगे। 1 2 3 तीन चेन ली, अब यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस तरह से, 1 2 3। तो इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हम, तीन चेन ली हमने और यहाँ फर्स्ट में हम जॉइन कर देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। अभी देखिए हमारे होल बन गए हैं, जिस तरह से हमने ड्रेस में होल बने थे हमारे। अब फर्स्ट होल में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, अब नेक्स्ट होल में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर 8 बार। एक बार हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब नेक्स्ट में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से ही हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर राउंड के लास्ट में आ गए हैं, इस तरह से वर्क बनकर आया है हमारा। अब यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। क्रीम कलर का धागा लेंगे और सबसे पहले हम नॉट बना लेंगे इस तरह से। नॉट बनाने के बाद में हमने ये फ्लावर लिया, और देखिए जो हमने डबल क्रोशिया बनाई थी, 8 डबल क्रोशिया बनाए थे हमने, तो फर्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। एक बार सिंगल क्रोशिया किया, दो बार सिंगल क्रोशिया किया, तीन बार सिंगल क्रोशिया किया, चार बार सिंगल क्रोशिया किया, पांच बार सिंगल क्रोशिया किया, छह बार सिंगल क्रोशिया किया, सात बार किया और 8 बार किया। तो 8 डबल क्रोशिया थे हमारे, तो 8 बार हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर लिया है।
अब हम इस तरह से तीन बार धागा लेंगे। देखिए एक दो तीन चार, चार फंदे हो गए हमारे क्रोशिए में, तीन बार धागा लिया है हमने। तो यहाँ पर नीचे हम इस तरह से पिंक वाले डबल क्रोशिए को उठाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर सबसे पहले हम दो फंदे को निकालेंगे, फिर दो को निकालेंगे, फिर दो को निकालेंगे और फिर दो को निकालेंगे इस तरह से। अब देखिए डबल क्रोशिए है, इसकी चेन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये दो बार बनाया, तीन चार पाँच, यहाँ पर आठ डबल क्रोशिए के ऊपर हमने यहाँ पर आठ सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब एक दो तीन, तीन बार धागा लेंगे। तो ये एक दो तीन चार, चार फंदे हो गए हमारे में। तो अब एक हम ये देखिए पिंक में यहाँ पर हमने किया था, इसको स्किप करेंगे। अब ये निवाला उठाएंगे हम, इस पिंक को उठाएंगे हम डबल क्रोशिए को, और यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम दो फंदे निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे, फिर दो निकालेंगे और फिर दो निकालेंगे इस तरह से। फर्स्ट डबल क्रोशिया इसकी चेन में बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से हमने ये राउंड कंप्लीट करना है। देखिए राउंड के लास्ट में आ गए हैं हम। तो यहाँ पर हम ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया था इसकी चेन में हम इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। तो देखिए फ्लावर बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो कुछ फ्लावर हम इसी तरह से बना लेते हैं, फिर आपको ज्वाइन करना बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमने ये इस तरह से फ्लावर बना लिए हैं। फ्लावर बनाने के बाद में ये हमने ज्वाइन भी कर लिए हैं आपस में। ये देखिए यहाँ पर हमने सिलाई की है। तो एक सिलाई हमने नहीं की है, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से करनी है आपको सिलाई। तो देखिए पहले हम फ्लावर को रख लेंगे, रख करके देख लेंगे कि हमारी सिलाई किस तरह से सेट होगी। तो देखिए यहाँ पर हमने ये दो, ये सिक्स फ्लावर हैं, तो ये दो के अंदर हमने सिलाई की है, और ये वाला जो फ्लावर इस तरफ आएंगे हमारे अंदर की तरफ आएंगे, तो उन फ्लावर पे हमने सिलाई की है। देखिए एक दो, और इधर भी देखिए ये वाला फ्लावर अंदर की तरफ आएगा तो एक दो। तो ये देखिए इस तरह से हमने, ये अंदर आएंगे तो ये देखिए एक दो एक दो, तो इस तरह से रख कर के हमने ये सिलाई की है। अब देखिए यहाँ पर भी हम एक यहाँ पर सिलाई हो गई इस वाले फ्लावर की, और यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई करेंगे इसको इस तरह से रख करके। ये देखिए इस तरह से रख करके हम सिलाई कर लेंगे। तो ये बिल्कुल सेट आ गया, ये गोल बनकर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए सिलाई हमें किस तरह से करनी है। देखिए धागा हमने सुई में डाल लिया है, और यहाँ पर देखिए हमने सिलाई करते हुए आए हैं, यहाँ सिला फिर धागे को अंदर की तरफ से ही हम यहाँ पर ले आए हैं, यहाँ पर सिलाई की। अब अंदर की तरफ से ही हम इस तरह से धागे को इस तरफ ले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से रख करके हम ये देखेंगे कि हमें सिलाई कहाँ पर करनी है। तो ये वाला फ्लावर आना चाहिए हमारा, और ये वाला फ्लावर, इसी तरह से ये वाला फ्लावर और ये फ्लावर। तो हम ये दोनों फ्लावर को इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से करेंगे दोनों फ्लावर हम इस तरह से। इस तरह से हम सिलाई कर देंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि बीच में से फिर हमारा धागा दिखाई देगा। इस तरह से हम नीचे की तरफ से होकर जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर नॉट लगा देंगे अब एक इस तरह से। और यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। देखिए यहाँ पर धागे को कट कर दिया है हमने। अब इसको इस तरह से रख करके देखेंगे। देखिए ये देखिए इसको रखेंगे हम इस तरह से, पहले इसको सेट कर लेंगे हम। देखिए यहाँ पर इसको पहले ड्रेस को हम सेट कर लेंगे, सिलाई करेंगे, फिर हम बाद में इसकी ये देखिए
इस तरह से। इस तरह से हम सेट करके और यहाँ पर देखिए धागे में हमने सुई में हमने धागा परो लिया है और यहाँ पर देखिए क्रीम कलर के धागे को हम इस तरह से यहाँ पर अटैच करते हुए जाएंगे क्रीम कलर के धागे से ही। तो अटैच करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए हमने ड्रेस सिल करके रेडी कर ली है। हमने सिलाई की थी यहाँ से स्टार्ट की थी तो यहाँ से स्टार्ट करके हमने यहाँ पर लेकर आए, यहाँ पर सिलाई की, उसके बाद में यहाँ पर लेके गए तो यहाँ से इस तरफ से हमने ये क्रीम कलर की किनारे किनारे की हमने सिलाई कर दी है। ये देखिए बैक साइड से भी मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए तो ड्रेस हमारी बहुत प्यारी सी बनकर आई है। ये देखिए इसका डायमीटर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका डायमीटर 12 से थोड़ा सा कम है। ये देखिए, ये देखिए 11.5 समझ लीजिए। ये देखिए 11.5। तो ये 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस है। तो आप इसको 6 नंबर में भी बना सकते हैं। 6 नंबर में बनाने के लिए आपको यहाँ पर एक फ्लावर और बनाकर लगाना पड़ेगा तो आपका घेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और आपको अगर छोटी साइज़ में बनानी है ये तो एक फ्लावर हटा लीजिए। एक फ्लावर हटा देंगे आप तो आप ये देखिए इसमें लगे हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 फ्लावर लगे हैं। तो 6 फ्लावर से बनाइए आप तो वो 3 नंबर के लिए हो जाएगा। और छोटी बनानी है तो आप 5 फ्लावर से बना लीजिए। इस तरह से आप बड़ी छोटी बनाने के लिए फ्लावर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी ड्रेस छोटी बड़ी हो जाएगी। आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारी वीडियोस पसंद आती हैं और समझाने का तरीका भी पसंद आता है। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।